वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसु। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सब्जेक्ट वाइज सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज ज्योग्राफी के प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस वीडियो में इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस स्थान को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है? पहाड़ियों की रानी कहा जाता है मसूरी को। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, चावल की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त नहीं है? चावल की खेती के लिए सूक्ष्म मिट्टी जो कि उपयुक्त नहीं मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? सामाजिक भूगोल की एक शाखा नहीं है वह है कृषि भूगोल, जबकि सांस्कृतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल तथा ऐतिहासिक भूगोल यह तीनों सामाजिक भूगोल के शाखा हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाले दो मुख्य प्रकार के लौह अयस्क कौन से हैं? भारत में पाए जाने वाले दो मुख्य प्रकार के लौह अयस्क हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर यूरेनियम निक्षेप नहीं पाए जाते हैं? यूरेनियम निक्षेप नहीं पाए जाते हैं महानदी डेल्टा, जो कि उड़ीसा में स्थित है, जबकि राजस्थान का उदयपुर, महाराष्ट्र का भंडारा क्षेत्र तथा छत्तीसगढ़ का दुर्ग क्षेत्र में यूरेनियम निक्षेप पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। अनाईमुदी भारतीय प्रायद्वीप जो पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का हरियाणा राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली एकमात्र भारतीय नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली एकमात्र भारतीय नदी है माही नदी। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? भारत में मैंग्रोव वनस्पति सबसे अधिक पाई जाती है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर क्षेत्र डैश द्वारा
कवर किया जाता है? आपको बताना है भारत में अधिकतम क्षेत्र किस मिट्टी द्वारा कवर किया जाता है? तो दोस्तों भारत में अधिकतम क्षेत्र जलोढ़ मृदा द्वारा कवर किया जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं को भारत के बाहर बहने से कौन रोकता है? दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं को भारत के बाहर बहने से रोकता है हिमालय। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? धुआंधार जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर और यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा 4096.7 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती है? यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती है जिब्राल्टर जल संधि। अगला प्रश्न है, तार रहित संचार पृथ्वी की सतह पर किसके द्वारा परावर्तित होता है? तार रहित संचार पृथ्वी की सतह पर आयन मंडल के द्वारा परावर्तित होता है। अगला प्रश्न है, कौन यूएसए की स्थानीय हवा है? यूएसए की स्थानीय हवा हो जाएगा चिनूक। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, मैजिनोट रेखा किस देश के बीच स्थित है? मैजिनोट रेखा स्थित है फ्रांस और जर्मनी के बीच। थैंक यू।